बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज कुकिंग चैनल लखनऊ में पेशावर की मशहूर डिश पेशावरी चारसी कढ़ाई गोश्त बनेगी, जो कि बहुत लजीज होती है और बहुत ही उम्दा होती है। आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये डिश, क्योंकि इसमें कोई गर्म मसाले नहीं, कुछ नहीं डलता, सिर्फ चार चीज़ों के, हरी मिर्च, टमाटर और थोड़ा सा लहसुन और नमक, उसी से ही ये सब कुछ तैयार होगा ग्रेवी इसकी। और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको हर नई वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुँचेगा, क्योंकि ये बहुत ही लजीज डिश है ये और बहुत ही मशहूर पेशावर की डिश है। आप लोग इसे ज़रूर बनाएँ और बताएँ हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके कि। और चलो शुरू करते हैं बनाना चारसी गोश्त। और इसके लिए सबसे पहले हमने कुकर ले लिया है, इसमें हमने गोश्त डाल दिया आधा किलो और नमक डाल दिया है, और दो बोटियाँ हमने लिए फैट की, और ये आधी बोटी हमने लहसुन की डाल दी है। और फैट हमने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें डाला जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं, हमने तो सिर्फ दो ही बोटियाँ डाली हैं छोटी छोटी, और एक बोटी में थोड़ा सा लगा हुआ है क्योंकि ज़्यादा फैट हमें पसंद नहीं है खाना और सेहत के लिए नुकसान भी देता ही है, बस थोड़ा सा इसका टेक्सचर आ जाए इसमें, तो इसलिए एक कटोरी अब पानी डाल दिया इसमें और मिक्स करके इसको चढ़ा देंगे। और फुल फ्लेम पर पहले हम इसे पकाएंगे जब तक इसमें सीटी नहीं आ जाती, और प्रेशर आने पर हम इसे स्लो कर देंगे, स्लो फ्लेम पर 20 या 22 मिनट तक हम इसे पकाएँगे, और फिर फ्लेम ऑफ़ करके ठंडा करेंगे कुकर, और पानी भी सूख जाएगा या नहीं सूखा होगा तो इसको सुखा लेंगे, लेकिन हम ये कुकर में ने खोला तो ये सूख चुका था पानी, ये देखिए ठंडा होने पर। और अब इसे हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसे गरम कर लिया हमने कढ़ाई को, और उसमें थोड़ा तेल भी डाल लिया 2 चम्मच। ये देखिए कितने गल गई हैं बोटियाँ अच्छी तरह से, बस यही चाहिए थी हमें। और ये फैट जो डाला था बोटियाँ वो भी निकल आई अच्छी तरह से, और ये तेल गरम हो गया, 2 चम्मच तेल हमने भर के लिया है इसमें, क्योंकि हमने फैट तो डाला नहीं ज़्यादा, अगर इसमें फैट डलता है ज़्यादा कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए उसी में ही पकता है, उसमें तेल नहीं डालते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं क्योंकि हमें फैट हमने डाला नहीं है इसमें, नुकसान करता है वो बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कढ़ाई में हमने ट्रांसफ़र कर लिया सारी बोटियाँ, वैसे तो ये कढ़ाई में ही गलाया जाता है, कुकर में नहीं गलाया जाता, लेकिन हमने जल्दी की वजह से कढ़ाई में ना गलाते हुए पहले कुकर में गला लिया ताकि जल्दी तैयार हो ये चारसी गोश्त। या और ये बड़े का गोश्त है ये, और बोनलेस बोटियाँ हमने ली हैं, ये हड्डी वाली भी आप ले सकते हैं। और ये हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाले और 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं, और इसको इसी में ही गलाएंगे टमाटर को, अब ढाँक करके 2 मिनट पकाएंगे, स्लो फ्लेम पर ही पकेगा ये, इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई होगी और टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाए ताकि इसके छिलका आसानी से होता रहे। ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, अब उतार कर इसको देखेंगे कि छिलका उतर रहा है या नहीं, इसके सबके छिलके उतार देने हैं हमें, और इसी का ही ग्रेवी बनेगी जो भी कुछ बनेगी इसमें, और कोई मसाले नहीं डालेंगे, उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी तैयार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार होगा, आप लोग भी को भी ज़रूर पसंद आएगी उम्मीद है। ये देखिए इस तरह से इसमें चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरह से, और फिर टमाटर को भी इसको दबाएंगे एक एक टमाटर को, और इसमें से पहले इसकी स्किन उतारेंगे, हमने फॉर्क ले लिया उससे उतार रहे हैं ताकि आसानी से निकल जाए इसमें से, क्योंकि अब थोड़े टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और अभी भूनते भूनते और भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और इसको हम बिल्कुल मैश कर देंगे टमाटरों को, और इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी, सिर्फ टमाटर की ही ग्रेवी रहेगी, और जो थोड़े बहुत लहसुन डाला है बस वो था, और इसमें कोई गरम मसाला नहीं, लाल मिर्च नहीं, धनिया नहीं, कुछ भी नहीं डालना है हमें, ना दही डालना है, कुछ भी, कोई चीज़ नहीं, उसके बावजूद ये बहुत
अच्छा तैयार होता है, बहुत लजीज तैयार होता है ये। ये देखिए इस तरह से सारे निकाल लिए हमने, बस यही रह गए, इसकी भी निकाल लेते हैं और इसको बार बार चलाते रहेंगे हम थोड़ी थोड़ी देर पे। अच्छी तरह से इसको चलाना, लगने नहीं देना है कढ़ाई में, तभी इसका मज़ा बरकरार रहेगा। बहुत उम्दा टेस्ट होता है इसका, आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और टेस्ट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और उससे आपको हर नई वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुँचा करेगा। ये देखिए इस तरह से हमें टमाटरों को दबा दबा करके मैश कर देना अच्छी तरह से, और ये तैयार हो गई हमारी चरसी कढ़ाई गोश्त। अब इसे हमने फुल कर दिया फ्लेम ताकि और अच्छी तरह से ये पानी सूख जाए, इसका बिल्कुल नहीं पानी रहना चाहिए टमाटर का भी। ये देखिए व्यूवर्स, अच्छी तरह से पानी सूख गया। अब ये हमारा तैयार है पिशावरी चरसी कढ़ाई गोश्त, और आपको डिश आउट करके अब दिखाते हैं हम इसे। और ये देखिए तैयार है, ये हमने डिश आउट कर दी और बहुत ही लजीज तैयार हुआ ये चरसी कढ़ाई गोश्त। और ये आप लोग ज़रूर बनाइए और ट्राई करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको हर नई वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुँचेगा। तो व्यूवर्स, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। आप लोग खुश रहें, खैरियत से रहें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।